मुरादाबाद उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है। इस जिले की स्थापना 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे ने मुरादा बख्श ने की थी। यह जिला पीतल निर्यात के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस जिला में हाथों से कारीगरी किए गए द्वारा पीतल को भारी मात्रा में बनाया जाता है। दोस्तों, इस शहर को पीतल नगरी के नाम से और तथा ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मुरादाबाद जिला मुरादाबाद बिरयानी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, मुरादाबाद जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलाओं के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसमें बिजनौर, अमरोहा, संभल और रामपुर जिला। थेला नदी, गंगा नदी व राम गंगा नदी इस जिले का मुख्य नदियाँ है। राम गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ यह जिला उत्तर प्रदेश के राजधानी यानी कि लखनऊ से 346 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 181 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अगर आवागमन की बात करें तो इस जिला में रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग यानी कि ये तीनों मार्गों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, सड़क मार्ग। नेशनल हाईवे 24 और नेशनल हाईवे 93 ये दोनों हाईवे जो कि मुरादाबाद जिला से होकर गुजरती है, जो आगे चल के उत्तर प्रदेश के छोटे व बड़े बड़े शहरों से जुड़ती है। और मुरादाबाद के बस स्टैंड उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, नंबर 2, रेल मार्ग। दोस्तों, इस जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम है मुरादाबाद रेलवे जंक्शन। दोस्तों, इस रेलवे जंक्शन में 6 प्लेटफॉर्म तथा 11 ट्रैक मौजूद है और दोस्तों इस रेलवे स्टेशन का कोड है MB। नंबर 3, वायु मार्ग। मुरादाबाद हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डा को मुंडा पांडे के नाम से भी जाना जाता है। यह हवाई अड्डा नेशनल हाईवे 24 के मध्य में स्थित है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि शहरों तक जाया जाता है। दोस्तों, लगभग 10,863 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ इस जिले की कुल आबादी जो है 34,06,000 है। दोस्तों, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुरादाबाद जिला में 52% हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं तथा 47% मुसलमान धर्म के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, यहाँ का मुख्य भाषा हिंदी तथा थोड़ा बहुत उर्दू भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मुरादाबाद अपने खूबसूरती पर्यटक स्थलों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर हमेशा हजारों सैलानी आते हैं इस जिला की खूबसूरती देखने के लिए। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि किस खूबसूरती के बिना ये मुरादाबाद ज़िला अधूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1, गौतम बुद्ध पार्क। यह पार्क मुरादाबाद हरथला रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित है। गौतम बुद्ध पार्क मुरादाबाद के कई ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। ऐसा माना जाता है गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किए थे। नंबर 2, शाही मंदिर मुरादाबाद। शाही मंदिर मुरादाबाद जिले के दीनदयाल नगर में स्थित है। यह मंदिर मुख्य रूप से शाही बाबा को समर्पित है। कहा जाता है कि शाही बाबा ने ईश्वर की एकता की घोषणा की थी और उसे साबित भी कर दिए थे, जिसे सबका मालिक एक है कहा जाता है। यह मंदिर मुरादाबाद रेलवे जंक्शन से मात्र 5 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। नंबर 3, हर्बल पार्क। यह पार्क मुरादाबाद के सबसे अच्छे पर्यटक स्थलों में से एक है। घास व छोटे बड़े पौधे जिसको देखने में बहुत अच्छा सुंदरता लगता है और इसमें इसकी सुंदरता में 4 चांद भी लगाता है। यहाँ पर आपको घूमने के लिए 10 रुपये का टिकट भी लगेगा और यहाँ पे बच्चों को खिलौने व खेलने के लिए बहुत सारा सामान है। दोस्तों इसके अलावा इस जिला में डियर पार्क, सोनपुर, टीडीएम, काली माता का मंदिर और से भी कई सारे पर्यटक स्थल है जिसको एक वीडियो में बताना असंभव है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के इस चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं।
तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।